अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि मैं आपको इसके VFD के कनेक्शन बताऊंगा। ये एक इजी ड्राइव वालों की VFD है और इसकी वायरिंग भी मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ। ये इस कार्ड से हुई है, मैंने की है, ठीक है। ये AB का कार्ड है, ये देखिए AB का कार्ड AXF, सही है। ये इसका लिखा हुआ है नंबर V3.2, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको इसकी वायरिंग बताता हूँ कि मैंने कौन से टर्मिनल कहाँ कहाँ पर यूज़ किया है। देखिए, पहला मैंने टर्मिनल लिया यहाँ से VK का, सही है। ये देखिए VK का टर्मिनल लिया, वो मैंने लगा दिया यहाँ पर कॉमन में। ये देखिए यहाँ के कॉमन में मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको सेकंड बताता हूँ RF। ये देखिए यहाँ से RF का मैंने वायर लिया, ठीक है, ये वायर लिया RF का, ठीक है। ये मैंने कर दिया यहाँ पर D1 में, ठीक है, D1 में देखिए कनेक्ट कर दिया यहाँ पर आपको D1। ये देखे, ये रहा D1, ये रहा D1, मैंने इसको D1 में कनेक्टेड कर दिया, सही है। ये करेगा स्लो का काम, सही है, जब लिफ्ट स्लो बन होती है तो स्लो का काम ये करेगा, सही है, ये स्लो का काम करेगा। अब आप आ जाए RH पे, सही है, ये रही RH, सही है, ये हाई के लिए यूज़ होती है, सही है। RH को मैंने लगा दिया, ये देखे D2 में, यहाँ से D2 में लगा दिया, नीचे देखे D2 दिखेगा आपको, ठीक है, मैंने इसको करेक्ट कर दिया D2 में, सही है। ये हाई के लिए है, सही है, पहला स्लो का था, ये दूसरा हाई का, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकेंड वायर पे, यहाँ से मैंने ली RD, सही है, RD का वायर लिया, ये फॉरवर्ड के लिए, ये मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पर, ये देखिए ये हुआ फॉरवर्ड के लिए, ठीक है, ये आ गया फॉरवर्ड का वायर, सही है, ये फॉरवर्ड का, ठीक है। अब आ जाते हैं रिवर्स के, इसमें ये देखिए RU, सही है, RU का मैंने यहाँ से वायर लिया, वो मैं ले गया रिवर्स में, ये कनेक्ट कर दिया मैंने रिवर्स में, देखिए यह लिखा भी है रिवर्स, ठीक है, ये मैंने कर दिया इसको रिवर्स में कनेक्ट, सही है। ये मेरी अब वायरिंग कंप्लीट हो गई। अब आप नीचे देखें, ये रेजिस्टेंस की वायरें हैं, ठीक है, ये लगा रेजिस्टेंस, ठीक है, ये आप कनेक्ट करेंगे पी में और बी में, ठीक है। ये देखें नीचे लिखा हुआ है पी और बी, ठीक है, इसी में आपको रेजिस्टेंस की वायर करनी है। ये रही आपकी RST, ठीक है, ये लगा दिया आपने RST जो मैंने ली मेन बॉक्स से, सही है, ब्रेकर से, मेन ब्रेकर से लेके RST में डाल दी। ये रही UVW की वायरें, सही है, ये देखे मैंने UVW की वायरें ली मोटर से, डायरेक्टली मोटर से ली और VFD में डाल दी, सप्लाई भी डायरेक्टली और VFD में डाल दी, ठीक है। ये मेरी वायरिंग हो गई कंप्लीट। अब आगे ब्रेक के कनेक्शन, सही है, यहाँ से मैंने TC का वायर लिया, ये मैंने डाल दिया 110 में, क्योंकि मेरी जो ब्रेक है वो 110 की है, ठीक है, तो मुझे इसे यहाँ से 110 देना पड़ा, ठीक है। सेकंड आ गए आप TA पे, सही है, TA मैंने दे दी कॉन्टेक्टर के A1 में, सही है, जब भी ये काम करेगी कॉन्टेक्टर लगेगा तो ये यहाँ से ही ब्रेक को क्लोज करवाएगा, ये एक तरह का सर्किट बना दिया, ठीक है, ये यहाँ से कॉन्टेक्टर को क्लोज करवा देगा तो ब्रेक यहाँ से वर्क करेगी, ठीक है, ये यहाँ से वर्क करेगी और ब्रेक यहीं से चलेगी, ठीक है। आपको समझ तो आ ही गई होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ, सही है। तो ये हो गई हमारी वायरिंग कंप्लीट। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, सही है, उसके बाद ऑन करने के बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊँगा कि मैं इसके पैरामीटर कैसे सेट करूँगा, ठीक है। ये आपकी हो गई कंप्लीट। अब मैं इसका ब्रेकर ऑन करता हूँ, ये देखिए यहाँ से मैं इसका ब्रेकर ऑन करता हूँ, ये मैंने कर दिया ऑन, सही है, ये देखिए VFD में मेरे पावर आ गई, सही है। हाँ, अब मैं चेक करता हूँ अपने कार्ड को ऑन करके, ये देखिए अब मुझे यहाँ से ब्रेकर उठाने हैं, ये देखिए अब मैं इसको चेक करता हूँ कि सब ठीक है, चले सब ठीक है, सही है। यहाँ से मैंने मेंटेनेंस पे पहले ही कर दी थी, ठीक है, ये देखे। अब मैं आपको चेक करवाता हूँ कि मैंने जो वायरिंग की है वो ठीक है या नहीं है, ये देखिए ये मैंने इसमें लगा दिया और यहाँ से मैं इसको अप डाउन चलाऊँगा, अभी चेक कर दूँ मैं, ये देखिए
सही है, ये देखिए अब फोन चला। ओके मेरी वायरिंग कंप्लीट सही है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको पूरी डिटेल से इसके VFD के ये भी बताऊंगा, पैरामीटर भी, कि इसके पैरामीटर सेटिंग कैसे करते हैं, ठीक है, इजी ड्राइव वालों की। सही है, बाकी के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।